हाजीपुर में विगत 26 महीनों से मानदेय भुगतान नहीं होने से 91 नियोजित शिक्षकों के सामने आर्थिक संकट मंडरा रहा है और इसी के लिए उन लोगों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। हाजीपुर के महुआ प्रखंड में विगत अप्रैल 2018 में नियोजित 91 शिक्षकों की मानदेय राशि 26 महीनों से लंबित रहने के कारण इन सभी शिक्षकों की माली हालत बद से बदतर हो चुकी है। वही मानदेय राशि की आस लिए एक शिक्षिका इस दुनिया से कूच कर गई। नियोजित शिक्षकों द्वारा महामहिम राज्यपाल और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को मार्मिक पत्र लिखकर लंबित मानदेय राशि की भुगतान किए जाने की गुहार लगाए जाने के बावजूद अब तक इन शिक्षक शिक्षिकाओं को मानदेय राशि की भुगतान नहीं की गई है। सभी 91 नियोजित शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उन्हें यथाशीघ्र मानदेय राशि की भुगतान नहीं की जाती है तो उस परिस्थिति में मजबूर होकर हमें आत्मदाह करने को विवश होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। हमारी मांगे। नमस्कार, HBN न्यूज में आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे भारतवर्ष की यह परंपरा रही है कि गुरु ही गुरु को देवता माना गया है। आज हम उन्हीं की समस्याओं की बाबत जुटे हैं, उनकी समस्याओं से हम रूबरू होंगे। चलते हैं शिक्षकों के पास, क्या मजबूरियां हैं, क्या समस्याएं हैं उनकी, उन्हीं के जुबानी। छब्बीस महीनों से लंबित मानदेय की भुगतान को लेकर आज गुरु शिक्षा दान करते हैं, आज भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। सरकार इनकी सुन नहीं रही है। इन्होंने महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, बावजूद इनकी समस्याओं का अभी तक निराकरण नहीं किया गया है। जानते हैं इनकी पड़ताल करते हैं, क्यों भुगतान में विलंब हो रहा है। नदिया के विभाग के पदाधिकारी के नजर है, सबका नजर अंधा बना हुआ है, इतना अंधा बन गया है जिसका जवाब नहीं। इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि आप तमाम पदाधिकारियों को जांच करते हुए हमारा पेमेंट का अशीघ्र भुगतान करने की कृपा की जाए, वरना हम लोग को क्या हाल होगा वो कोई नहीं जानता है। इसी परिस्थिति में बहुत सारे लोग के साथ बहुत बीमारियां हैं, अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा तो उसको बाल बच्चे को कौन देखेगा। विहान विभाग कहेगा कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो कौन जानेगा। विभाग हमारी चिट्ठी दी है, विभाग ने हमको इसको अलर्ट किया है और हमारे हेडमास्टर साहब कहते हैं कि हमारे यहाँ विभाग भेजा है तो हम आपसे ड्यूटी लेंगे। तो हेडमास्टर ड्यूटी ले रहे हैं और पदाधिकारी जो डीओ ऑफिस में है वो कहते हैं आपको समय से आना होगा। तो समय से आने के लिए हमसे समय से पैसा चाहिए ना, हमारे बाल बच्चा कैसे खाएंगे, हम लोग कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे। इस पर किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। हॉटलाइन पर जुड़ने के लिए नसरुद्दीन जी आपका बहुत बहुत बधाई, HBN न्यूज की ओर से बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया सर। अभी अभी हमारे साथ हॉटलाइन पर जुड़ चुके हैं उमेश कुमार सुमर जी जो नियोजित शिक्षक हैं। जानते हैं क्यों भुगतान नहीं हो रहा है, इन लोगों का लंबित जो 26 महीने से भुगतान है वो क्यों नहीं हो रहा है, जानते हैं इन्हीं की जुबानी, बताएं। हमारे अधिकारी पदाधिकारी के कथनानुसार वो सब मनमानी करते हैं, कोई घूस के आस लगाए बैठे हुए हैं, कोई कुछ के आस लगाए बैठे हुए हैं, कुछ अपना बोलबाला दिखा रहे हैं। और यहाँ तक समस्या हम लोगों का आ चुका है कि इसमें से एक शिक्षक भूखे मर चुके हैं और बहुत सारे मरने के कगार पर आए हुए हैं। ऐसी हालत खराब हो गई है जो कहना मुश्किल है, और ड्यूटी करना है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं सरकार के सभी अधिकारी पदाधिकारी से किसी तरह से हम लोगों को पेमेंट करावे, और नहीं तो बहुत कुछ बड़ा हादसा होने वाला है। सुनने में आया है कि आप लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल को भी पत्र, मार्मिक पत्र लिखा है जिसमें वेतन भुगतान की मांग की है,
क्या हुआ उसके बावजूद अभी तक भुगतान हुआ वेतन मानदेय या नहीं वो बताएं हमें। वो केवल पत्राचार हो रहा है, एक दूसरे पर अपना दोष मोड़ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई, सुनिश्चित कार्रवाई और वेतन भुगतान की दिशा में कोई कार्रवाई हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक दूसरे पर अपना मोड़ रहे हैं और पत्राचार पर पत्राचार हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पूरे देश की हालत इस वैश्विक महामारी में पेमेंट के लिए ये है और उसमें भी हम लोगों के वेतन भुगतान करने की हमें जल्द से जल्द पैसे मिल जाए, जिससे अपने बच्चे की परवरिश अच्छे से करें, उन्हें अच्छे ढंग से खिलाएं, उन्हें अच्छे ढंग से कपड़े पहनाएं और हम कुछ इंसान की तरह जिए। हमारी ज़िंदगी बस एक ऐसे चल रहे हैं कि लग रहा है हम तो इंसान है ही नहीं। बहुत ही अजीब से अपने आप को मतलब फीलिंग कर रहे हैं, मुझे अपने आप में कुछ खुशी महसूस ही नहीं हो रही है। चलिए मेरे साथ हॉटलाइन पर जुड़ने के लिए अंगूठी खातून जी आपका हार्दिक धन्यवाद। अभी अभी मेरे साथ हॉटलाइन पर जुड़ चुकी हैं एक और नियोजित शिक्षिका गुलशन आरा जी। जानते हैं वेतन भुगतान में क्या समस्याएं आ रही हैं, इन्हीं के जुबानी जानते हैं, बताएं गुलशन आरा जी। मेरा वेतन 26 महीना से नहीं मिल रहा है, मैं कितने 5 किलोमीटर से दूर से स्कूल आती हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, जब किस पैसे से मैं पेट्रोल जला के आऊँ स्कूल। उसके बाद सर, हेड मास्टर सर सोचते हैं कि 9 से 4 बजे तक रहे स्कूल में, विद्यालय में बने रहे। हम 9 से 4 ड्यूटी करते हैं, हमारे पैसे भुगतान नहीं हुए 26 महीने से। हम बच्चे सबको किस पैसे से खिलाऊं, कैसे करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तकलीफी में चल रहे हैं। सुनने में आया है एक शिक्षिका थी जिनका देहांत हो गया है वेतन नहीं मिलने के अभाव में, क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में बताएं हमें। एक शिक्षिका जो उषा कुमारी, उनकी डेथ हो गई है पैसे के अभाव में। उनकी तबीयत खराब थी, उनका पैसा नहीं था जो इलाज कराएं, और पैसे मिलने के टेंशन में उनके तबीयत खराब हो गई और उन्हें डेथ कर गई, पैसा नहीं मिला इसी के टेंशन से। मेरे साथ हॉटलाइन पर जुड़ने के लिए